Hey guys, this is Manisha Yadav. So today's topic is regarding to how to design an exterior design of any house in Revit architecture. मैं एक और Revit architecture के अंदर exterior design आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. जैसा कि आपको image में नजर आ रहा है, मैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, बनाने वाली हूँ step by step कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो house है, इसका exterior हम लोग design करेंगे. तो अभी जैसे इसमें काफी सारी चीजें जो है, जेनरिक मॉडल्स यूज हुए हैं, वॉल्स यूज हुई है, फ्लोर्स यूज हुए हैं, रेलिंग्स, मतलब बहुत ज्यादा मल्टीपल एलिमेंट्स, बिल्डिंग एलिमेंट्स जो है हम लोगों ने यूज किए हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करना सीखेंगे उनके साथ में. तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना एक्सटीरियर डिजाइनिंग. अनदर वन व्यू हमारा डे का ये है. यहाँ पे जो मैंने रेंडरिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है वो मैंने एनस्केप यूज किया है. एनस्केप के अंदर हम लोग यहाँ पे रेंडर करके देखेंगे. आप चाहे तो रेविट आर्किटेक्चर के अंदर भी रेंडरिंग कर सकते हैं, और अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग हमसे कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं. बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग एंड फर्दर जो आपके प्लगइन्स है रेविट आर्किटेक्चर के रेंडरिंग के, वो हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल वे के अंदर सिखाते हैं. यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने इसका 3D जो व्यू है वो ओपन किया है. क्या क्या चीजें किस किस तरीके से यूज हुई है वो हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करना सीखेंगे. तो चलिए मैं ओपन कर लेती हूँ अपना न्यू प्रोजेक्ट. यूनिट सेट कर लीजिए इसके अंदर. फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस. सी, मेरे पास में प्लान है इसका, फ्लोर प्लान एंड सेकेंड फ्लोर, जो आप ग्राउंड फ्लोर प्लान एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान. तो यहाँ पे आपको यूनिट्स वही सेट करनी है जो रेविट है उसके अंदर, जो आपने यहाँ पे सेट की हुई है आर्किटेक्चर हाफ इंचेस प्रिसिजन इंचेस के अंदर, तो एग्जैक्ट वही की वही वहां पे यूनिट सेट कीजिएगा रेविट के अंदर, अदरवाइज आपका प्लान कुछ मतलब स्केल अप हो जाता है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ये प्लान यहाँ पे सेव किया हुआ है, तो इस प्लान को हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं रेविट के अंदर. सी दिस वन, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा प्लान आ गया है. इसकी प्रॉपर साइजिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने ऑटोकैड में कर चुकी हूँ मैं यहाँ पे. यहाँ पे मुझे इसका 3D जो एक्सटीरियर डिजाइन है वो मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक्सटीरियर जो वॉल्स है वही कंस्ट्रक्ट करूंगी. इंटीरियर वॉल्स मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करूंगी बिकॉज मैं इंटीरियर डिजाइन नहीं कर रही हूँ. तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सटीरियर व्यू बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक्सटीरियर व्यू के लिए अपनी वॉल्स जो है वो बनाना शुरू करती हूँ. उससे पहले मैं इसका मेजरमेंट ले लेती हूँ कि वॉल्स कितने कितने साइज के हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है. सी, ये 9 इंच की वॉल है, ये 4.5 इंच की वॉल है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे वॉल आर्किटेक्चर. इसमें हम लोग एडिट टाइप में चलते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं वॉल 9 इंचेस. ओके, यहाँ पे मैं उसका जो साइज है वो 9 इंच का ही अप्लाई कर देती हूँ. ओके, एक 9 इंच की वॉल हमारे पास में बन. नेक्स्ट वॉल इफ यूज हुई तो हम 4.5 इंच की भी वॉल यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इसकी भी थिकनेस सेट कर देते हैं.
दोनों वॉल्स बन गई है, हमें एक्टिवेट कौन सी करनी है, 9 इंच की वॉल। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच वॉल जो है वो एक्टिवेट कर ली है। मटेरियल मैं इसका अभी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मटेरियल हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मटेरियल बनाते हैं और अप्लाई करते हैं, राइट। तो इसी के साथ में मैं स्टार्ट करती हूँ अपना, सेंटर टू सेंटर हो गया। यहाँ पे इसको भी जरा सा मैं बना देती हूँ अंदर से। ये मैंने बना दिया है। यहाँ पे 4.5 इंचेस की वॉल यूज कर लेते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वॉल लोकेशन लाइन जो है, वॉल सेंटर लाइन, वॉल की जो लोकेशन लाइन है वो चेंज कर सकते हैं। अभी मेरा यहाँ पे इस तरीके से मैंने बना दिया है, तो इसके बाद मैं इसके अंदर फ्लोर अप्लाई करना चाहूंगी। एक तो मैंने यहां बनाया है, इसकी थिकनेस हम लोग सेट कर देते हैं। अब एक और मैं फ्लोर बनाना चाहूंगी जो कि इसके अंदर अंदर का होगा। या फिर मैं इसके लेवल का भी बना सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर कर देती हूँ मैं, इसकी भी थिकनेस में सेट कर देती हूँ। थ्रीडी देखते हैं, कुछ इस तरीके का हमने बना दिया है।
अब ये सब कुछ हमारा बन गया है। इन वॉल्स, ये वॉल्स मुझे इतनी ज्यादा ऊंची ऊंची नहीं चाहिए होती है, मुझे ये यहां से स्प्लिट करने, ये यहां से, तो हम स्प्लिट कर लेते हैं बिकॉज इनकी हाइट मुझे एडजस्ट करनी है। ये पोल्स है, सबकी हाइट मैंने 7 फीट 9 इंचेस कर दी है। ओके, नाउ बाकी सबकी हाइट लेवल 2 तक करती है। ओके, नाउ अब मुझे क्या है कि मैं जब इसके 3D में जाती हूँ और यहां पे मैं इसका देखती हूँ, तो इसमें मैंने लेवल्स कितने यूज किए हैं, लेट मी शो यू। मल्टीपल लेवल्स का मैंने यूज किया है। लेवल 2 के ऊपर मेरा यहाँ पे आके फ्लोर जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया है। फिर उसके बाद में इसके ऊपर हमारा एक और, मैंने ग्राउंड लेवल से ही शुरू कर दिया। इसमें मल्टीपल फ्लोर्स इसलिए लिए गए हैं क्योंकि इसने जो रोड है उसकी हाइट से पिक किया है। ठीक है, तो मैं बॉटम में ले लूंगी, वो नॉट टू वरी अबाउट दिस। इन्होंने पॉजिटिव में लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया है, मैं डाउन में लेके नेगेटिव कर दूंगी उसे लेवल को। तो हम लोग लेवल B ले लेते हैं। फिर यहाँ पे जो फ्लोर अप्लाई हुआ है वो 2 फीट के ऊपर हुआ है, मतलब बॉटम जो है वो -2 फीट पे लगेगा। फिर हमारा एक फ्लोर है, फिर उसके बाद एक और फ्लोर है, फिर उसके बाद एक और फ्लोर है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कि दिस वन इज फॉर लेवल नंबर 2, 3 एंड 4। इस तरीके से हम लोग अपने लेवल्स जनरेट कर लेंगे। तो मैं चलती हूँ अपने लेवल के अंदर। लेवल पिक -2 फीट, दिस वन लेवल नंबर 3। नेक्स्ट यहां पे मैं जो हाइट है वो 14 13 कुछ इन्होंने इन्होंने ले रखी है, मुझे 13 नहीं चाहिए है। इलेवन फीट। ओके, नाउ लेवल पिक 11 फीट पे ऑफसेट लगा देते हैं, दिस वन फॉर ये आपका फर्स्ट फ्लोर, ये आपका सेकेंड। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, मतलब रूफ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं काम यहाँ पे। तो मैंने लेवल्स जो है अपने पुट अप कर लिए हैं। इसको मैं नाम दे देती हूं कुछ अलग से, रैंप लेवल। देने के बाद ये लेवल नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको हम 3 कर देते हैं फॉर आर नॉलेज के लिए। यहाँ पे 3 एंड देन यहाँ पे 4। ओके, नाउ इसको मैंने क्रॉस कर दिया और अभी हम 3D में चलते हैं। ये कुछ इस प्रकार से बन गया। ठीक है, अभी क्या करने का है, अभी हमें बनाना है नेक्स्ट फ्लोर। नेक्स्ट फ्लोर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा लेवल नंबर 2 पे।
टूपे आने के बाद में मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनाना है। मैं आपको 3D में दिखा देती हूँ। ये हमारा बन गया है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है, देखो ओपन एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ओपन एरिया को भी बनाना है हमें, किस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे आपका थोड़ा जो ये पूरी कंप्लीट नहीं आ रही, यहाँ पे आके क्रॉस कर दी गई है, ठीक है। बीच में इसके सेंटर में ही हुआ है ये ऊपर, तो उसका फ्लोर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसा है। लेवल नंबर 1 एंड 2, गो टू ऑटोकैड एंड देन दिस वन। ये प्लान है जो नेक्स्ट फ्लोर का है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, इसमें मुझे जो हमारी वॉल्स थी उससे 5 फिट आगे अपना एक एक तरीके से हमारा जो कैंटिलीवर है वो बनाना है। यहाँ पे भी ये आपका कैंटिलीवर है, ये पूरा बीम, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे, बट इसकी स्ट्रेटनेस के अंदर एक कॉलम आएगा, जैसा कि उसकी 3D में आपको दिख रहा होगा। वेयर इज 3D, दिस वन, ये कॉलम, ठीक है। तो हम बना देते हैं इसको प्रॉपर। चलते हैं हम लोग अपने लेवल नंबर 2 पे, और हमें यहाँ पे बनाना है। आई थिंक मुझे यहाँ पे अपना फ्लोर जो है वो इंसर्ट करा लेना चाहिए, ताकि प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। अब मुझे इतना इतना एरिया बनाना है, तो हम बना देते हैं। चलते हैं हम लोग वॉल आर्किटेक्चर। वॉल 9 इंचेस एंड देन आई जस्ट पुट दिस। गो टू 3D, ये देखिए, ठीक है। उससे पहले मुझे इसका फ्लोर बनाना चाहिए था, तो वो फ्लोर भी हम बना देंगे। इन सबको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करें, क्योंकि मैंने सारी वॉल्स को डुप्लीकेट नहीं बनाया है, तो अगर मैंने ऐसे प्रेस कर दिया तो नीचे की भी सारी वॉल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं कंट्रोल के साथ में इसको सेलेक्ट करके अब 2 लेवल नंबर 3 तक कर रही हूँ। ओके, अब ये प्लान हमारे यहाँ पे इंसर्टेड है, प्रॉपर हमारा आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अब यहाँ पे इसका फ्लोर बना देते हैं, लेवल नंबर 2 पे जाके और इसका फ्लोर बना देते हैं। आई थिंक मुझे इधर भी प्रोजेक्शन निकालना चाहिए।
डुप्लीकेट बना के, इसका भी थिकनेस बता देते हैं, ये देखिए। ठीक है, क्या किया था, इसी तरीके का तो बनाया था। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने जरा सा चेंजमेंट किया है, इसके सामने यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन नहीं है, तो उसको हम लोग एडिट कर देते हैं। चलते हैं लेवल नंबर 2 पे, आई जस्ट सेलेक्ट दिस एडिट बाउंड्री, और इसके मैंने सेंटर तक लिया है इसको। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको ट्रिम करवा दिया। जो भी चेंजेस हैं मैं साथ साथ बताती हुई चलूंगी आपको। अभी हम देखते हैं इसका 3D, ये देखिए एग्जैक्ट उसके जैसा ही बन गया। अब क्या आता है, अब इसके ऊपर हमें लगाना है एक और फ्लोर, लेवल नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग लगा लेते हैं वो फ्लोर भी। यहाँ पे उससे पहले मैं इसका 3D देख लेती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके का आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे वॉल्स वगैरह भी नजर आ रही है, तो हम वॉल्स भी यहाँ पे बना ही देते हैं। तो चलते हैं लेवल नंबर 2 पे, अंदर जो वॉल बनी हुई है वो आपकी ये वाली वॉल है 4.5 इंचेस की। देन उसके बाद हम लोगों ने 3D किया, ये लीजिए। ओके, अब यहां पे आपका ये मैंने प्रॉपर बना दिया। अब इसकी हमें अगला फ्लोर बनाना है, तो अब मैं लेवल नंबर 3 पे चलती हूँ, जहां पे मुझे फ्लोर बनाना है इसका, लेवल नंबर 3। अब उसके लिए मुझे इसकी लेवल 2 के ऊपर ही हम लोग जैसे रूफ भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे उसका प्लानिंग वगैरह कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे मैं उसका रूफ बनाती हूँ, और इसमें क्या होता है कि हम लोग उसका एक तरीके से प्लान जो है 3D जो है वो देख लेते हैं कि क्या है 3D के अंदर। इसमें क्या है कि इसमें आपका यहाँ पे सिर्फ इसकी स्ट्रेटनेस में, मतलब इस बाहर की ओर आपका ये प्रोजेक्शन नहीं लिया गया है, बिल्कुल स्ट्रेट इसकी तरफ आपका लेके और सिंपल आपका फ्लोर बना दिया गया है, राइट। तो वो भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, तो उसके साथ में चलिए शुरू करती हूँ। देयर इज माई लेवल नंबर 2, नाउ गो टू फ्लोर, नाउ चूज लेवल नंबर 3, नाउ मेक इट। एक्चुअली इस साइड भी प्रोजेक्शन है जो मैं कंसिडर नहीं कर पा रही हूँ 3 फीट की। मल्टीपल माइनर चेंजेस कर दिए गए थे 3D को लेके, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इसको भी मूव कर देती हूँ मैं, देन चेक इट। हम इसका 3D देखते हैं, तो कुछ इस तरीके का बन गया है। इसको भी ये आपका हो गया। ठीक है,
अब ये सब कुछ होने के बाद एक और है मुझे इसके अंदर और एडिटिंग करनी है। लेवल नंबर 2 पे चलते हैं, इसके अंदर और एडिट करना है मुझे। इधर भी हमारा प्रोजेक्शन था तो वो प्रोजेक्शन भी मैं निकाल देती हूँ। 3 फिट मूवमेंट, सिमिलरली इन दिस वे मूव। दिस वन। अब इसका 3D देखते हैं तो कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, मुझे जो मेरा नेक्स्ट जो फ्लोर है उसके ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया ही ऊपर गया हुआ है, बाकी पूरा प्लेन है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपनी, और वॉल जो हमारी थी दिस वन, दिस वन और दिस वन, और इधर भी हमारी एक और वॉल है 9 इंचेस, एंड हियर वी गो। यहाँ इस वॉल को कंट्रोल, इस वॉल को कंट्रोल, इस वॉल को और इस वॉल को, इनको हम लोग जिसका बेस तो हमारा यहाँ है, अनकनेक्टेड टू लेवल नंबर 4 तक मैंने कर दिया है। थ्री डी ये देखिए, वेट 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 वेट, लेवल नंबर 3, दिस दीज वॉल्स आर कनेक्टेड टू दिस वन, क्योंकि मैंने इसको अटैच कर दिया था इसके साथ में, इस वजह से यहाँ पे डिटैच कर देती हूँ मैं एक बारी, और आई जस्ट सेलेक्ट दिस। ये अटैच होने की वजह से बन नहीं पा रही है, क्योंकि हम लोग फ्लोर और रूफ वगैरह कुछ बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रेविट आर्किटेक्चर जो है वो अटैच कर लेता है, इस वजह से ये ऊपर इंक्रीज नहीं होती है काफी टाइम्स, तो उनको डिटैच करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो हमारा 3D के अंदर जो हमारी इसकी टॉप रूफ है वो मुझे बनानी है। वो तो सिंपल है आपकी, उसमें क्या है, उसमें आपको यहाँ पे जाना है, गो टू योर लेवल नंबर 3 एंड इसकी आपको रूफ बनानी है। मैं फ्लोर के जरिए ही बना देती हूँ। थ्री फीट आगे, ठीक है, ये देखिए,
हल्का सा नीचे किया है मैंने इनको, ताकि इनकी ओवरलैपिंग दिखे ना। ये देखिए हो गया। अब इसको होने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे इनके अंदर डोर एंड विंडोज जो है वो प्लेस करवानी है। तो डोर एंड विंडोज हम लोग प्लेस करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में मुझे इसके चारों तरफ पैरापेट भी कंस्ट्रक्ट करनी है, जैसे कि आपको 3D में दिखाया गया इधर, कि इधर ये चारों तरफ में ना पैरापेट है, ठीक है। तो पहले चाहे तो इनको कंस्ट्रक्ट कर लो, चाहे जो भी आपको सही लगे उस तरीके से हम कर लेते हैं। पहले मैं पैरापेट ही कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ। फ्रॉम यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर देती हूँ, प्रोजेक्ट 1 के नेम से डेस्कटॉप पे सेव कर। दिस वन इज रो लेवल नंबर 3, एंड देन गो टू दिस वन वॉल, एंड देन वॉल लेने के बाद में मैंने 9 इंचेस वॉल ली हुई है, और मैं यहाँ पे पैरापेट जो है वो बना रही हूँ इसके चारों तरफ। कंस्ट्रक्ट की हुई इन वॉल्स को मैं हाइट दे देती हूँ। थ्री फीट एंड देन 3D। ये देखिए अब इसमें क्या है, इसमें मैंने डिजाइन बनाया हुआ है, किस तरीके से बनाया हुआ है इधर। ये हमारी इन वॉल्स के ऊपर से है सीधा सिंपल, लेकिन यहां से कुछ अलग ही गया हुआ है, तो वो भी कर लेते हैं हम लोग। उप्स, मैंने इसको इसके अंदर हमें इसके जितना ही लेना था, बट क्या था कि यहाँ पे मेरे को इसमें एडिट करना पड़ेगा। गो टू लेवल नंबर 3 एंड देन एडिट। एक सेकेंड रुकेगा। कंट्रोल जेड कॉपी। ये राइट। अब बाकी का सब तो ठीक है, बस ये इसके यहां तक कनेक्ट करना है। चलते हैं हम लेवल नंबर 3 पे, एंड देन एडिट बाउंड्री, एंड देन आई जस्ट डिलीट इट। अब मुझे क्या करना है, ये यहाँ से हमें बाहर लेना था, लेकिन ये मैंने यहाँ पे नहीं हुआ है मेरा बाहर की ओर। आई जस्ट चेक इट। उप्स, ये बिल्कुल है यहाँ पे, प्रॉपर है आपका, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इस वाली वॉल को भी जरा सा ऊपर लेना है, तो इसको मैं अनकनेक्टेड कर देती हूँ। टोटल 11 फीट है, 3 फीट और ऊपर करना है, तो क्या कर दूंगी मैं 14 फीट की। बट इट्स नॉट ए गुड थिंग, बिकॉज मैं यहाँ पे इसको 14 फिट की नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसका मटेरियल अलग है और इसका मटेरियल अलग है, या तो मुझे स्प्लिट करनी पड़ेगी या फिर मैं इसको दोबारा से बना देती हूँ। दो चीजें हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसको 3D में करके वापस 11 फिट की करती हूँ। अनकनेक्टेड टू लेवल नंबर 3, एंड देन गो टू लेवल नंबर 2, एंड मैं यहाँ पे एक और वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। जस्ट गो टू वॉल एंड हाइट दे देती हूँ मैं इसकी पहले ही 3 फीट, और लेवल प्रोवाइड कर देते हैं 3। ओके, तो ये सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा आपके पास में। थ्री डी कर लेते हैं एक बारी।
तो समझ में आई कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, इसको भी हटा देते हैं, इसको और इसको ट्रिम कर देते हैं। तो आई थिंक यहाँ का ये वाला जो हमारे पास में है वो तो मैंने प्रॉपर बना दिया है। ठीक है, अब इसके भी हम लोग बनाने की तैयारी करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे डोर एंड विंडोज जो है वो प्लेस कर देती हूँ, या फिर यहाँ पे चलते हैं हम बॉटम से। हमारे पास में एक और एक जेनरिक मॉडल है जो ऊपर तक हमारे पास में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके जो भी कुछ हो, ये जो वॉल है इसकी स्ट्रेटनेस में हमें रखनी है। तो हम लेवल नंबर 2 पे चलते हैं, लेवल नंबर 2 के ऊपर, 3 सॉरी 3 के ऊपर। तो यहाँ पे हमें एक तरीके से जो वॉल लेनी है वो उसकी जितनी लेनी है जितनी हमारी बॉटम के अंदर है। गो टू दिस वन, आई जस्ट मेजर इट। फीट करेक्ट, डिलीट इट। अब ये वाली वॉल तो हो गई परफेक्ट। अब यहां से 1.5 जो फीट है उसकी वॉल आपकी चलेगी। ये देखिए हो गया। आप अगर इसकी हाइट थोड़ी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ी छोटी लग रही है इनकी हाइट, थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं। करेक्ट, ये देखिए इसकी मैंने हाइट 1.5 फिट रखी है। इसकी दोनों की मैं 2 फीट कर देती हूँ। ओके, इतना सा चीज जो है वो समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम लोग बनाने वाले हैं इसके आगे का ये पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न क्या है, इसने यहां से इस तरीके से आपका बनाया है। ये जो प्रोजेक्शन है ये कंप्लीट यहां तक नहीं है, कुछ जो पार्ट है वो रिमूव किया है। करीब करीब 2 फिट जो है वो यहां से छोड़ा है। तो लेवल नंबर 2 पे चलती हूँ, सॉरी लेवल नंबर 2, यहां से एडिट की मैंने बाउंड्री। यहां से मैं बना देती हूँ कुछ यहां तक का। एग्जैक्ट 2 फीट मैंने ले लिया है, ट्रिम कर देते हैं। चेक, ठीक है, लेवल नंबर 3, मतलब ये थ्रू आउट है आपका, ऊपर तक थ्रू आउट है। ठीक है, तो लेवल नंबर 3 में भी, 4 में भी, सॉरी 4 तो है ही नहीं, 2 और 3 दोनों में रहेगा। तो हम लेवल नंबर 3 में चल रहे थे यहाँ पे, इसको भी एडिट कर देती हूँ मैं, इसको भी यहां से 2 फिट पिक करके यहां से इस तरीके से, एंड देन ट्रिम इट। हो गया,
देन उसके बाद मैं यहाँ पे 3D में चलती हूँ, तो ये देखिए ओके, इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने अब इसको हटा दिया यहाँ से। सिमिलरली इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है ओके। अब क्या करना है, यहां से एक वॉल आएगी जो यहां तक ऊपर तक कनेक्ट हो रही है, ये वाली, ठीक है। टोटल तो नहीं है, मतलब इसके लेवल तक की है, मतलब 2 फिट नीचे तक की, तो बेस ऑफसेट -2 फिट हम डाल सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 3D में चल के, और इसको स्प्लिट कर देती हूँ, ठीक है। स्प्लिट भी कितना करना है, जितना आपका ये जो चीज है ये बाहर निकली हुई है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लेवल नंबर 1 पे चलना चाहिए और मुझे यहाँ से इसको स्प्लिट करना चाहिए। अब मैं 3D में चलती हूँ, इस वॉल को पिक करती हूँ अप टू लेवल नंबर 3, हो गया। इसको टॉप ऑफसेट में देती हूँ 2 फीट का, क्लियर। तो ये चीज हमारी यहाँ पे हो गई है ओके। अब ये सब कुछ होने के बाद में मुझे यहाँ पे भी एक वॉल बनानी है जो यहां तक आई हुई है, आई थिंक इस तरीके से, बिल्कुल इसी के लेवल की, ठीक है ओके। अब इसके लेवल की मुझे लेनी है, तो मुझे आई थिंक लेवल नंबर 2 पे चलना चाहिए। 2 पे जाने के बाद मैंने यहां से वॉल जो है वो पिक की है और यहां से मैंने बनाना शुरू किया है। फ्लिप कर देते हैं हम, ठीक है। इसको लेवल नंबर 3 तक कनेक्ट करने के बाद, जिसका टॉप ऑफसेट मैं दे रही हूँ वो 2 फिट का दे रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से। 3D देखते हैं तो कुछ इस तरीके का बन गया, ठीक है। अब लेवल नंबर 3 के ऊपर इधर की ओर भी मुझे, इस डायरेक्शन में भी मुझे जाना है, और इसकी स्ट्रेटनेस तक मुझे सेम हाइट की आपको वॉल बना के देनी है। वो कैसे है, वो पैरापेट लाइक डिजाइन है, वो इस तरीके से है, ठीक है। उससे पहले मुझे यहाँ पे एक, मतलब जहां पे मेरा डोर और विंडो आया हुआ है, उससे पहले मुझे यहाँ पे एक एक्सट्रूजन जो है वो क्रिएट करना है, एज जहां पे मैं स्टोन वर्क करूंगी। लेवल नंबर 1 पे आ रही हूं मैं यहाँ पे, सॉरी, लेवल नंबर 1 पे चलते हैं तो हम इसके प्लान को शो करवा लेते हैं। तो कहाँ पे है हमारा, एक तरीके से जो डिजाइन है वो आपका है इधर इस कॉर्नर, ये जो आपकी विंडो है, ये जो आपका डोर है, इसके साथ साथ में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लेवल नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ पे आपका स्लाइडिंग डोर है एक तरीके से, यहाँ पे मार्किंग जो है वो थोड़ा गलत दे दी गई है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे हमारी विंडो आती है, यहाँ पे हमारा डोर आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो स्टोन वर्क है वो करेंगे। उसके लिए मुझे यहाँ पे अपने जो स्लाइडिंग डोर्स एंड विंडोज जो है वो मुझे इंसर्ट करा के यहाँ पे प्लेस करने होंगे, राइट। तो उसके लिए हम कर लेते हैं स्टार्ट, अभी यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं अपने डोर्स एंड विंडोज को। गो टू इंसर्ट, लोड फैमिली, डेस्कटॉप पे विंडो है हमारी, वो मैंने पिक कर लेती हूँ, और मैं अपने विंडोज और डोर्स जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट सेट कर देती हूँ। अब जैसे मैं विंडो ले आई हूँ, तो मैं यहाँ विंडो प्लेस कर देती हूँ। साइज अब जिस हिसाब से भी रखना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं, मुझे जैसे एज पर मैंने साइज के हिसाब से पिक की है, प्लानिंग में मैंने थोड़ी गड़बड़ की है 3D के हिसाब से। यहाँ पे मैं चेंजमेंट कर रही हूँ, फिर डोर है, फिर स्लाइडिंग डोर है, एंड देन फिर विंडो है, राइट। तो लेवल 1 पे चलते हैं, फिर यहाँ पे अपना डोर प्लेस कर देते हैं हम, देन दिस वन, और फिर स्लाइडिंग डोर है हमारा, स्लाइडिंग डोर भी इंसर्ट करवाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमारी स्लाइडिंग के नाम से मैंने सेव की है, एंड देन गो टू डोर स्लाइडिंग, एंड मैंने यहाँ पे प्लेस किया ओके, एंड देन आई जस्ट गो टू अगेन विंडो, एंड आई जस्ट प्लेस इट हियर ओके। मैं 3D करके देखती हूँ, तो ये देखिए हमारा सब कुछ यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ हमारा
प्लेस्ड है। यहाँ पे अगर मैं एडिट करके इसका, आप ग्लास का मटेरियल वगैरह चेंज कर सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट दिस। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्लास के लाइक मटेरियल है, तो मैं थोड़ा बना देती हूँ। ये देखिए, ओके। सिमिलरली मैं इसके भी मटेरियल चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे भी ग्लास का कुछ और ही मटेरियल लगा हुआ है, तो हम ग्लास का ही लगा देते हैं। देखिए, ओके। अब ये मटेरियल हमारे यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी है प्रॉपर, ये डोर भी हमारा लग गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी मुझे सेम ये डोर और ये वाली विंडो और ये वाला डोर चाहिए, तो आई थिंक मुझे सेलेक्ट इसको करके, इसको भी करके और इसको भी करके कॉपी करा देना चाहिए सेलेक्टेड लेवल्स के ऊपर, तो ये मेरा प्लेस हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद इधर भी हमारी विंडो है, तो लेवल टू पे चलते हैं और हम अपनी विंडो जो है वो प्लेस कर देते हैं इधर को, ठीक है। अभी विंडो यहाँ पे प्लेस हो गई है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या स्टेप किया है यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमारी जो स्मॉल विंडो है वो भी हमने प्लेस की है, तो वो स्मॉल विंडो भी हम लोग प्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और टाइप का हमने डोर जो है वो प्लेस किया है, तो लेवल वन पे ही पहले डोर जो है, मेन डोर जो है वो प्लेस कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को लेवल नंबर वन यहाँ जाना है, और यहाँ मैं प्लेस कर देती हूँ डोर, देन गो टू इंसर्ट लोड फैमिली एंड देन गो टू डोर स्लाइडिंग जो आपका मेन डोर, लाइब्रेरी में चलते हैं, देन डोर, वेर इज डोर, दिस वन, ये डोर हमने यूज किया, मैंने पिक कर लिया। देखिए, डोर और विंडोज की आपको या तो फैमिलीज बनानी पड़ती है या आपके पास में ऑलरेडी होनी चाहिए डाउनलोडेड, तब आप प्रॉपर तरीके से उनके साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया है, इसको मुझे फ्लिप करना पड़ेगा और इसको भी मुझे फ्लिप करना पड़ेगा, तो आई जस्ट फ्लिप इट एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्लिप्ड। देन उसके बाद हम लोग 3D में चलते हैं, तो ये देखिए प्रॉपर है आपका, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अपनी सिंपल जो विंडोज है वो भी प्लेस करनी है, तो लेवल वन पे ही चलते हैं, इंसर्ट करवा लेते हैं हम विंडोज को, लोड बाकी बैकअप प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, वेयर इज दिस वन, डॉक्यूमेंट्स, देन विंडोज, विंडोज लाइक मुझे ये वाली लगानी है या ये वाली, जो भी आपको सही लगे। लीजिए, ये हमने लगा दी है, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करा देती हूँ लेवल नंबर टू पे, ठीक है। अभी ये सारा कुछ काम तो मैंने कर दिया है, क्लियर। अब ये सारा कुछ काम होने के बाद में यहाँ पे हमारा एक डिजाइन था, जो डिजाइन मुझे बनाने का है, तो मैं यहाँ पे ही बना देती हूँ सीधा सिंपल, जो लेवल नंबर टू है। लेवल नंबर टू के ऊपर जाने के बाद मुझे यहीं पे वो डिजाइन बनाना है, तो जैसा कि आपको 3D में नजर आ रहा है, या यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ठीक है। लेवल नंबर टू, गो टू मॉडल, सॉरी कंपोनेंट्स,
जेनरिक मॉडल्स एंड यहाँ पे एक्सट्रूजन मैं क्रिएट कर रही हूँ लेवल नंबर 2 को अज्यूम करते हुए, जितनी भी थिकनेस आप यहाँ पे लेना चाहते हैं वो थिकनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं सेट एंड देन ओके। ओके करने के बाद हम 3D में चलते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्रंट के अंदर हमारा प्रॉपर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। फिनिश कर देते हैं मॉडल को, एच एच कर लेते हैं यहाँ से और इसको सेट कर देते हैं बॉटम तक। ये देखिए ओके। नाउ लेवल नंबर 1 पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा हल्का सा मूव करवा देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम 3D में देखते हैं तो ये थोड़ा सा इधर साइडेड है लेवल नंबर 1। मूव यहाँ पे ठीक है। अभी हम 3D देखते हैं इसकी, तो कुछ इस तरीके से हमारी रेडी हो गई है। अब ये रेडी हो गई है तो नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि हम इसके ऊपर ये वाली जो ये वॉल है और जो बॉटम वॉल है ये क्रिएट करें, ठीक है। वो क्रिएट करनी है तो हम चलते हैं अपने 2 पे, लेवल नंबर 2 पे। फोर पॉइंट फाइव इंचेस वॉल ली है मैंने, अनकनेक्टेड कर दिया है और इसकी हाइट 2 फीट ले रही हूं मैं। फोर फीट तक की मैंने ये बनाई। अब इसकी हाइट आई जस्ट मेक इट 3 फीट, क्रिएट सिमिलर 2 फीट एंड देन आई विल मेक इट 3D एंड आई मेक दिस ओके। अब सिमिलरली मुझे यहां पे भी वर्क करना है, तो हम यहां पे भी बना देते हैं। वेयर इज लेवल नंबर 3, और यहां पे मुझे इस तरीके का डिजाइन बनाना है इसके यहां तक लेवल नंबर 3। वॉल 9 इंचेस, मूव इट 3D, आई थिंक इट्स परफेक्ट। नाउ यहाँ पे मेरे को और ग्रिल डिजाइन बनाना है, वो ग्रिल डिजाइन भी हम बना देते हैं। Go to component, model in place, generic models, then sweep and then set the plane, pick the plane, set the plane, right hand side मैंने set किया है, मुझे इसको show करवाना है और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाते हैं।
यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड पिक किया, इसको मैं हिडन लाइन कर देती हूँ ताकि मुझे प्रॉपर समझ में आए कि कहाँ और कैसे बनाना है। देन मैंने जैसे इसमें आपका दिया हुआ है कि एग्जैक्ट इससे कनेक्ट होता हुआ बनाना है और इधर की ओर ऐसे क्रॉस करता हुआ, तो सिमिलरली आई जस्ट गो टू दिस वन एंड देन लेवल इज योर दिस, मतलब इससे टॉप है ना, तो हम लोग पिक कर लेते हैं एंड देन स्केच पाथ कर देते हैं। यहाँ से 3 फीट ऊपर चार, 4.5 इंच, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे तक ले लेते हैं। एंड देन चेक किया एडिट प्रोफाइल, फ्रंट में एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने इसका प्रॉपर जितना मुझे चाहिए था उस हिसाब से जो भी आपका पाइप का साइज होता है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं रैंडम कोई भी कस्टमाइज करके साइज ले रही हूँ। चेक करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा हम कम भी कर सकते हैं इसका साइज, नहीं क्योंकि इसका साइज कुछ ज्यादा ही लार्ज है। ये लीजिए, आई जस्ट स्केल एंड देन मूव इट। एड इट, कॉपी, मल्टीपल, आई थिंक मोर देन इनफ है। फिनिश हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये वर्क तो हमारा हो गया है, नेक्स्ट जो इसके अंदर वर्क है हमारा वो आता है इसके ऊपर, ये इस तरीके का डिजाइन बनाना और इस साइड का ये डिजाइन बनाना। ठीक है, तो वो बना देते हैं हम लोग। दिस वन इज आई जस्ट मेक विद द हेल्प ऑफ जेनरिक मॉडल्स, पिक दिस वन एंड गो टू एक्सट्रूजन एंड सेट द प्लेन, पिक द प्लेन एंड गिव दिस प्लेन। ओके नाउ टॉप करके मैं बना देती हूँ इसमें।
ट्रिमेंडिक स्टैंडर्ड, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इस तरीके के डिजाइन्स बना सकते हैं। सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की कि कहाँ पे किस चीज को किस तरीके से यूज करना है, वही हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। ये देखिए, ओके नाउ अभी बचता है इस साइड का, तो वो साइड भी हम लोग बना देते हैं। फिनिश कर देती हूँ मैं इस मॉडल को, एंड देन मैं यहाँ पे एक और वॉल जो है वो जनरेट कर देती हूँ। दिस लेवल इज लेवल नंबर 3, वॉल 9 inches एंड अनकनेक्टेड 2। नाउ कंटिन्यू एंड ये कंटिन्यू मैं यहाँ से करती हूँ और यहाँ पे चेक कर देती हूँ। देन उसके बाद 3D में देखते हैं तो कुछ इस तरीके का बन गया है। ये बन गया है तो इसके अंदर एडिटिंग कर देते हैं। एडिटिंग करने के लिए मैं यहाँ से इसको जो साइज दे रही हूँ स्प्लिट इट एंड देन ट्रिम दीज लाइंस। ये हो गई है। सिमिलरली मैं इसको भी कर देती हूँ। फोर पॉइंट फाइव इंचेस के बेसिस पे देन स्प्लिट एंड ट्रिम। चेक, अनजॉइन इट। ओके, ये इतना कुछ हमारा कंप्लीट बन गया है। ओके, आई जस्ट हैव टू ड्रैग इट आउट। ये देखिए, ओके अब इतना कुछ बनने के बाद अब इसके अंदर हम लोग बना देते हैं एक्सट्रूजन के जरिए। लेवल नंबर 3, मेड इट एक्सट्रूजन फॉर मेकिंग जालीज, एंड देन यहाँ पे हम लोग चलते हैं और एक्सट्रूजन हम बना देते हैं यहाँ पे, और लाइन के थ्रू में बनाना ज़्यादा सुटेबल मानती हूँ। ये लीजिए, थिकनेस सेट कर देते हैं अपनी जाली की।
एंड देन चेक इट, 3D, एंड देन आई विल सेट इट. परफेक्ट, चेक, ये हो गया है. फिर उसके बाद में यहां पे हमें रेलिंग लगानी है. रेलिंग लगाने से पहले मैं यहाँ पे इस तरीके के जो यहाँ पे ब्रेसेस है, जो वुडन प्लैंक्स हम लोगों ने यूज किया है, वो लगा देते हैं. ये कंप्लीट यहां तक नहीं थी, ये यहां तक थी, तो इसको हम एडिट कर देते हैं. तो कहाँ है हमारा 3D? आई जस्ट एडिट इट. नाउ आई जस्ट मूव इट. यहां तक मैं इसको मूव कर रही हूं, एंड इसको भी यहां तक ही कर देते हैं फिर. ओके, अब ये हो गया है. तो यहां पे हमें क्या करना है, लेवल नंबर 3 पे, या वुडन प्लैंक्स में बना देती हूँ. चलते हैं हम जेनरिक मॉडल्स के थ्रू, वॉल के थ्रू भी बना सकते हो वैसे तो आप, पर मैं जेनरिक का यूज कर रही हूँ. कॉपी, ओके, ओके. यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया है नो के, एंड देन मैं इसको फिनिश करके 3D में चलती हूँ. 3D में चलने के बाद हम इसको यहाँ से ऊपर लेके चलते हैं. इस रूफ का ये जो है, ये मुझे इतना रखना है कि इन प्लैंक्स तक पहुंचे. एंड देन 3D, ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये बना दिया है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रेलिंग लगा देती हूँ मैं. यहाँ कौन सा लेवल है, लेवल नंबर 3 है, और गो टू रेलिंग, और यहाँ पे प्लस्टर्स को हम बंद कर देते हैं, मुझे प्लस्टर नहीं चाहिए होंगे. यहाँ पे नन, ठीक है, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया. एंड देन रेलिंग के अंदर मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, रेलिंग की जो यहाँ पे, इसको मैं अनचेक कर देती हूँ, रेल स्ट्रक्चर में चले जाती हूँ यहाँ पे, और मुझे टोटल 4 रेलिंग की ही जरूरत है. इसको डिलीट करके 6 इंचेस, इसको डिलीट करके 1 फीट 6 इंचेस, सॉरी दिस इज 1 फीट, इसको डिलीट करके 6 इंचेस, एंड देन 2 फीट. ओके, जो भी आपको रेलिंग रखनी है वो रेलिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं. तो आई थिंक मुझे हैंड रेल रखनी चाहिए, रेक्टेंगुलर. ओके, जो भी आप इसका मटेरियल देना चाहें वो मटेरियल दे सकते हैं. मुझे यहाँ पे जो मटेरियल है, आई थिंक मुझे यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मिल जाए.
मैं यही मटेरियल इसमें अप्लाई कर देती हूँ और मैं सब में यही अप्लाई कर देती हूँ। ये हो गया अप्लाई एंड ओके एंड ओके। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से बनाते हुए चलनी है अपनी रलिंग। पीस ऑफ सेट मुझे रखना है 2 फीट का, देन चेक थ्री देखते हैं इसकी। ये लीजिए 1 फीट 9 इंचेस, अभी बेटर है। ठीक है, ये हमारी रेलिंग लग गई है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसके ऊपर ग्लास रेलिंग अप्लाई करनी है। तो पहले तो मैं इनको थोड़ा सा रिसाइज कर देती हूँ, ये 2 फीट की है ना, 1 फीट 6 इंचेस की अप्लाई करती। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रेलिंग इसको और भी कम करना चाहे तो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ठीक है, वैसे ये थोड़ी हाइट पे है तो डजेंट मैटर, तो मैं इसको कुछ इसी प्रकार से बना दूंगी। तो हमारा ये लेवल नंबर 2 है ना, 2 पे चलते हैं। और वॉल आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ पे कर्टेन वॉल पिक कर लेते हैं। कर्टेन वॉल का बेस ऑफसेट मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस, और इसकी हाइट आप यहाँ पे जो भी रखना चाहें। मैं इनिशियली तो यही अप्लाई करूंगी। और हम 3D करते हैं। हाइट हम थोड़ा कम कर सकते हैं, दिस वन इज बेटर। इनफैक्ट अगर मैं इसकी हाइट थोड़ा कम भी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, नॉट टू वरी अबाउट दिस, बट जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप रख सकते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे इस ग्लास का भी मटेरियल सेम डालना पड़ेगा। टैब के साथ सेलेक्ट करते हैं, एडिट ग्लास, ओके, नाउ आई जस्ट सेलेक्ट द बूलियन एंड सेट इट। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। नाउ अब कॉर्नर मुलियन हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। कॉर्नर मुलियन मैं यहाँ से क्वाड कॉर्नर मुलियन जो है वो पिक किया मैंने। सिमिलरली मैं यहाँ से भी ये वाला मुलियन भी हटा देती हूँ बिकॉज ये कॉर्नर नहीं है, और मैं यहाँ पे कॉर्नर मुलियन पिक करके और यहाँ पे भी अप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ जो है मैंने अप्लाई कर दिया है, जैसा कि हमारा 3D व्यू के अंदर है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा जो 3D व्यू है उसके अंदर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब सारा कुछ तो मैंने एक तरीके से बना दिया है इसके अंदर, जिस भी तरीके से जो चीज़, अब हमारी बारी आती है इसके इस फेस के ऊपर
और इस फेस इन दो फेसेस के ऊपर ये इस तरीके से ग्लास अप्लाई करना। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे अप्लाई, लेवल 1 पे चलते हैं और हम यहाँ पे ग्लास कर्टेन वॉल जो है वो अप्लाई कर देते हैं। और ठीक है, अब 3D में चलते हैं। एम्बेडेड कर दिया है मैंने। नाउ इसको एचएच कर देते हैं। फ्रंट सेलेक्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे इसको बता देते हैं जितना भी मुझे हाइट में चाहिए। मैं इसको करीब करीब 2 फीट तक करना चाहूंगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। हल्का सा मूवमेंट दे देते हैं इस तरीके से इसको भी। ओके, नाउ 3D। अब इसमें ये इस तरीके से आ गया। बात क्या है कि ये जो फ्लोर है ये इधर लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं। लेवल 2 एडिट मूव यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 3D करते हैं। ये देखो, इसका इसके अंदर डिटैच कर दिया मैंने। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर भी कर देते हैं। देन 3D, ये देखिए। ओके, तो ये हमारा रेडी हो गया। अभी क्या है, अभी इसके स्पेस के ऊपर मुझे यहाँ पे स्टोन वर्क कोर करना है। वो कैसे, वो यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो हम चलते हैं 3D पे और इस फेस पे करने का है। जेनरिक एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, आई जस्ट पिक दिस एंड देन मेक दिस वन। मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ से है। ये इस लेवल से ऊपर है, मतलब जहां पे ये खत्म हो रहा है, राइट। मूव यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चेक करके। और इसके चारों तरफ मुझे एक तरीके से बनाना है, तो 2 इंच का एक बार बना के देख लेती हूँ मैं। 2 इंच थोड़ा कम है, 4.5 इंचेस, ये देखिए। ओके, नाउ चेक दिस, ये देखिए यहाँ पे थिकनेस इसकी मैं 0.4.5 इंचेस, मोर देन इनफ है। इसके बीच में अगर मुझे और ज़्यादा मतलब कम करने का है तो मैं कम भी कर सकती हूँ, बट अगर इसको थोड़ा डाउन में लाने का है तो डाउन ले आती हूँ मैं। ज़रा इतना ऊपर नहीं था ये। मूव नाउ आई जस्ट चेक इट एंड देन अगेन मैं इसकी डेप्थ जो है वो सेट कर देती हूँ 4.5 इंचेस एंड देन चेक इट। ये देखिए यहाँ पे ये बन गया।
अब ये बनने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे जरा सा स्टोन यहाँ पे जैसे अप्लाई करना है तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पे मॉडल इन प्लेस एंड देन जेनरिक मॉडल्स एंड नो की ओके एंड देन मैं यहाँ पे शो करवाती हूँ। तो देखिए भैया आपका यहाँ पे एक्सट्रूजन हम बनाने वाले हैं और मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ पिक अ प्लेन एंड देन अगेन ये मैंने चूज कर लिया। ये चूज करने के बाद में अब मैं इसके अंदर एक्सट्रूजन बना देती हूँ। ये मैंने एक्सट्रूजन बना दिया है, ठीक है। एक्सट्रूजन बनाने के बाद मैंने इसको चेक किया, चेक करते हैं तो मैं इसकी थिकनेस सेट कर देती हूँ 0.75 inches। ओके ये देखिए हो गया। अब ये सारा कुछ हो गया है, मतलब पूरा मॉडलिंग वर्क जो है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। मॉडलिंग होने के बाद में अब मुझे क्या करने का है, अब मुझे यहाँ पे सबका टेक्सचर अप्लाई करना है, ठीक है, सबका पेंट अप्लाई करना है। तो पेंट हम अप्लाई कर देते हैं, चलते हैं हम अपने मॉडल के ऊपर। यहाँ पे हम चलते हैं इसके बाद में यहाँ पे जैसे मुझे जहां जहां भी व्हाइट कलर करने का है तो मैं व्हाइट कलर कर देती हूँ सबके ऊपर। गो टू पेंट कूल व्हाइट हो गया। यहाँ पे फिर इधर भी हमारा व्हाइट व्हाइट ही होता है। कंट्रोल सेल ये देखिए हम बड़ी ही आसानी से यहाँ पे अपना सारा काम कर सकते हैं टैब का यूज करते हुए। हम लोग यहाँ पे अपना मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और है जो हमारी यहाँ पे जैसे हम मटेरियल और अप्लाई कर देते हैं फर्दर, यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास में है, जैसे यहाँ पे नीचे येल्लोइश जो है वो पिक किया हुआ है और यहाँ पे वॉल के ऊपर और इधर हमारा फर्दर दूसरा पेंट है। तो हम लोग चलते हैं वापस इसमें पेंट में एंड देन मुझे यहाँ पे जैसे मैंने डिफॉल्ट मटेरियल जो है वो बनाए हुए हैं तो आप उनका यूज करते हुए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है, मटेरियल जो है मैंने बहुत बार ये आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से आप बनाते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं। फिर भी अगर आपको क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स की जरूरत है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर गिवन है। मैंने यहाँ पे आपका अप्लाई कर दिया है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट है इधर भी यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं इधर यहाँ पे टैब के साथ में ओके। सिमिलरली ये लीजिए ओके। अब
नेक्स्ट जैसे हमारा यहाँ पे आता है, नए अगला जो मुझे अप्लाई करने का है वो वुडन है। ये वुडन जो मुझे अप्लाई करना है, थर्टी फर्स्ट, इनको हम मटेरियल प्रोवाइड करा देते हैं। स्टील देन उसके बाद में यहाँ पे फर्दर हम लोगों के पास में है, मुझे इसके बीच में जाली वाला है, ये स्टोन वाला है, ये प्रोवाइड करना है। ओके, इसके अंदर तो मुझे सिंपल इसके अंदर जाना पड़ेगा। जेनरिक का बाहर से नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली इधर भी मुझे अप्लाई करने का। तो ये तो हमारी वॉल्स ही है, इस पे तो हम सिंपल अप्लाई कर देंगे। इसके पहले मैं यहाँ पे इसके अंदर जाली अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा आता है ये, देखिए हो गया चेक। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे अप्लाई, ये सिंपल हमारा वुडन ही था, इन पे भी वुडन ही है, तो इन पे तो हम वुडन ही अप्लाई कर देते हैं। फिर ओके, और इस पे स्टोन करना था तो इस पे स्टोन भी कर देते हैं साथ साथ। ले लीजिए, ये मैंने आपका यहाँ पे स्टोन प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर हमें वुडन क्रिएट करना था, वुडन लगाना था, तो हम वुडन जेनरिक है इस वजह से जेनरिक मॉडल के अंदर जाके और फिर अप्लाई करते हैं। हो गया। अब क्या करना है, इधर भी हमें अप्लाई करना है, जैसे इसमें हमारा है इस तरीके का, तो इस तरीके का बना के और फिर वहां पे भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने वहां पे। और अगर मुझे इसके चारों तरफ अप्लाई करने का है तो करने को, तो मैं वॉल के थ्रू भी बना सकती हूँ। मैं जेनरिक्स का यूज करना ज्यादा इजी समझती हूँ, तो मैं उसी का पिक कर रही हूँ पाथ।
और इसके ऊपर ही मुझे जिस हिसाब से नीड है उस हिसाब से बना देती हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके मटेरियल हम दे देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी पेंट का यूज करते हुए यहाँ पे ये चीज मैंने कर दी है अप्लाई। कूल वाइट मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है। ओके, कंट्रोल जेड। अगेन मैं पेंट का यूज करते हुए दिस वन। अब इसके ऊपर हमारा और भी वर्क हुआ है, जैसे ये स्टोन का वर्क हो रखा है, तो इनको भी सेलेक्ट करके हम स्टोन अप्लाई कर देते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू देता है ये। ये देखिए, ठीक है। और क्या बचता है हमारा? और हमारे पास में ये बचता है। इसमें भी सेम आपका वुडन है एंड देन बीच में ग्लास है, सॉरी स्टोन है। ठीक है, तो सेलेक्ट करते हैं इसको और इसमें भी आपका मैं स्टोन क्लडिंग ही अप्लाई करा देती हूँ। नॉट वुडन, पहले वुडन आएगा आपका डिफॉल्ट मटेरियल। ओके, और इसको फिनिश करने के बाद हम इसमें चलते हैं और इसकी भी एडिटिंग कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ये सब कुछ हमने कर दिया है, कंप्लीट हमारा एक तरीके से हो गया है ये।
मतलब यहाँ पे पेंट हम लोग बड़ी आसानी से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारा कुछ हो गया, आई थिंक ये सब कुछ हमारा डन है। तो अभी हम लोगों को क्या करने का है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एक तरीके से, यहाँ पे ये वाला भी मटेरियल अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं कर सकती हूँ। तो हम पिक करते हैं एंड देन इस फेस पे अप्लाई करा देते हैं। उप्स सो सॉरी, नॉट दिस वन। सी, ये वहां से जाके हम कलर चेंज कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपका होता है इस तरीके से डिजाइन, राइट? तो इसमें जैसे हमने कंप्लीट जो है वो पेंट वगैरह कर लिया है, मुझे जो फ्लोर का कलर वगैरह डालना है मैं वो यहाँ से डाल सकती हूँ डायरेक्ट। अदरवाइज आप पेंट भी करवा सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे फ्लोर का टेक्सचर वगैरह जो भी देना है। तो लाइक मुझे वुडन फ्लोर करना है तो मैं वुडन करूंगी, मुझे फर्दर और भी डिफरेंट टाइप्स के टाइल डालने हैं, मार्बल्स डालने हैं, तो जो भी मुझे यहाँ पे फ्लोरिंग करनी है मैं वो यहाँ पे कर सकती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए एक फ्लोर का मटेरियल जो है वो पिक कर रही हूँ, लाइक दिस वन। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। और हाँ, आप अगर कोई दूसरा लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं, एंड देन ओके एंड देन ओके। ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया है, राइट? इसी तरीके से हम फर्दर और भी बहुत सारे यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये तो आपका क्या था, यहाँ पे जैसे मैंने जो भी मटेरियल इसके अंदर डाला मैं उसका यहाँ पे डिफॉल्ट न्यू मटेरियल किस नाम से है हमारा, 32 नाम से, राइट? तो पेंट भी यूज कर सकती हूँ मैं। कहाँ से करेंगे हम लोग, यहाँ पे पेंट, हम लोग यहाँ पे पेंट यूज करेंगे। 32 नंबर हमारा पेंट होगा वो, दिस वन 32, राइट? और मैं यहाँ पे भी यूज कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे भी यूज कर लेती हूँ। जो भी आपको यूज करना है प्रॉपर आप यहाँ पे यूज कीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अब एक चीज हमारी बचती है बस इसके अंदर, वो ये है कि यहाँ से एक और वॉल आनी है जो कि यहाँ पे कनेक्ट होगी और उसके अंदर जाली आपकी कनेक्टेड रहेगी, राइट? तो उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं वॉल को, लेवल नंबर वन के ऊपर जाके हम लोग यहाँ पे गो टू मॉडिफाई एंड देन स्प्लिट एंड देन गो टू स्प्लिट इट दिस वन। यहाँ पे मैं इसको 3D में चली जाती हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे कनेक्ट करवा देती हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो इसको बता भी सकते हैं कि भाई आपका ये लेवल टू अप टू लेवल नंबर 4 तक है। और मैं इसके अंदर एडिटिंग करके एडिट प्रोफाइल एंड देन गो टू, मैं इसको हिडन लाइन कर लेती हूँ ताकि मुझे प्रॉपर नजर आए, राइट? ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू ऑफसेट इट -4.5 इंचेस। 4.5 इंचेस के ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे इसकी जाली अप्लाई कर दी। आप चाहे तो यहाँ पे 9 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है? तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या पिक करना चाहते हैं। इसको मैं मूव करवा देती हूँ क्योंकि ये बॉटम तक नहीं है, यहाँ तक है, ठीक है? आप कम लेना चाहे कम भी ले सकते हैं, ज्यादा लेना चाहे ज्यादा भी ले सकते हैं। लाइक -9 इंचेस मैं पिक कर लेती हूँ एक बारी, तो उससे हमें प्रॉपर देखेंगे, ये हमारा प्रॉपर आया है, राइट? ये इस तरीके से है ना। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, 4.5 इंचेस काफी ज्यादा कम था और ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ये सेट करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर करना है एक्सट्रूजन अप्लाई। एक्सट्रूजन अप्लाई करना है तो चलते हैं फिर से जेनरिक मॉडल में। जेनरिक मॉडल में जाने के बाद में यहाँ पे हम फेस सेलेक्ट करेंगे एंड देन एक्सट्रूजन अप्लाई करेंगे, दिस वन एंड देन कॉर्नर टू कॉर्नर, देन गिव द डेप्थ। लाइक मुझे 2.5 इंचेस का चाहिए बस, ये 2.5 इंचेस भी काफी ज्यादा है। फिनिश हो गया अप्लाई, इसको सेलेक्ट करके, उप्स मैं यहाँ पे मटेरियल लगाना तो भूल ही गई, तो यहाँ पे हम मटेरियल भी लगा देते हैं। मटेरियल जो हमारा था वो था हमारा दस वन जाली, आप नेम से भी बना सकते हैं,
और आप इस तरीके से, एक्चुअली मैंने डिफरेंट तरीके से बनाए थे तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, राइट। तो ये क्या है आपका, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, आप इसके इंटीरियर पे दूसरा कलर करना चाहते हैं दूसरा भी कर सकते हैं। लाइक इसमें डिफॉल्ट मटेरियल जो है वो हमने डार्क येलो वाला यूज़ किया हुआ है, लाइक 6 करके जो हमने बनाया था, दिस वन। है ना, तो ये कुछ व्यू आएगा आपका। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अप्लाई बनाते हैं सब कुछ, और कैसे यहाँ पे मटेरियल्स जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने 3D डिज़ाइन बनाया है। हम इसमें टोपोग्राफी भी बनाएंगे साइट के बेसिस पे, साइट डिज़ाइनिंग में। अगर आपको साइट डिज़ाइनिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। एंड चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत कुछ नया आने वाला है हमारे इस चैनल के ऊपर। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई करवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने पूरा कुछ कर दिया है। अब इसका जो फ्रंट है, जो गेट वगैरह है, वो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या है, मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैं इसको स्प्लिट कर देती हूँ यहाँ से, स्प्लिट करके एंड मैं इसकी टोपोग्राफी जो है वो अप्लाई कर देती हूँ। जितने विड्थ का मुझे यहाँ पे गेट लगाना है उतने विड्थ का मैं यहाँ पे स्प्लिट अप करके और वहाँ पे गेट अप्लाई कर देती हूँ, राइट। तो चलिए कर देते हैं हम अप्लाई। तो ये देखिए, मैंने सारी साइड के कंपोनेंट्स और ये सब कुछ अप्लाई कर दिया है कंप्लीट। ये एनस्केप के कंपोनेंट्स है जो कि आपको इस तरीके से दिखेंगे, और ये कंपोनेंट्स प्लेस करने के बाद हम इसको रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के रेंडर व्यूज है हमारे पास में, लाइक ये हमारे पास में व्यू है तो हम उसको रेंडर कर लेते हैं और इसकी फिर हम लोग रेंडरिंग वो कर लेते हैं। तो हम एनस्केप पे चलते हैं, जिस भी व्यू को मुझे रेंडर करना है मैं उसको अनेबल कर लेती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे स्टार्ट होने में। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारे आए हुए हैं। इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मुझे अप एंड डाउन करना है तो ये सब कुछ हमारा यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है कि इसके सेटिंग्स में जाके और इसके एक्सपोजर्स जो है वो यहाँ से कंट्रोल करना, ठीक है। जनरल सेटिंग्स में जाके आप, सॉरी, यहाँ पे हम लोग चलते हैं विजुअल सेटिंग्स में जाके, और मैं यहाँ से एक्सपोजर वैल्यू जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे ही मुझे चाहिए वो वैसे ही मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, जस्ट लाइक दिस, राइट। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पे जैसे ही मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं अगर इसको यहाँ पे क्लिक करके एंड देन मैं यहाँ पे रेंडर करा सकती हूँ। रेंडर के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंडर द इनटू डॉक्यूमेंट्स। तो देखो, ये रेंडर आपकी हो रही है, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके की जो इमेज है हमारे पास में रेंडर होके आ चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी कंप्लीट अपना किसी भी घर का एक्सटीरियर डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं रेविट के अंदर, और प्रॉपर आपके प्लगइन्स के साथ में उनको रेंडर भी कर सकते हैं एकदम एक्चुअल जो आपका विजुअल इफेक्ट्स हैं उनके साथ में। सो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड आपको समझ में आया होगा हर एक कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।